आदित्य ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला संसद किसी भी देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। 13 दिसंबर को संसद हमले के 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया, जिसके बाद भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसे लेकर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। 13 दिसंबर को हुई घटना से सबक लेते हुए लोकसभा और राज्यसभा की विजिटर गैलरी में कांच के शीशे लगाए जाएंगे, ताकि फिर कभी कोई विजिटर पहली मंजिल से छलांग लगाकर संसद की कार्यवाही के बीच में ना कूद सके। नए बदलावों के तहत सांसदों, लोकसभा, राज्यसभा के स्टाफ और प्रेस के लोगों के प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार आवंटित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत जब भी विजिटर्स को दोबारा संसद भवन के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी तब उन्हें चौथे गेट से प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हवाई अड्डों के तर्ज पर ही बॉडी स्कैन मशीनें संसद में लगाई जाएंगी। इनमें एक और गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF संभालने वाली है। CISF के उप महानिरीक्षक अजय कुमार की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया है, जो संसद भवन परिसर का व्यापक एवं सघन सर्वेक्षण करेगा, ताकि CISF की सुरक्षा और अग्निशमन विंग की नियमित तैनाती की जा सके। बता दें, अब तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद की सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। तो ये है कुछ बड़े बदलाव जो अब संसद भवन में होने जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।